हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फ्लाई फैंटेसी। आज हम पिज्जा बनाएंगे विद रेडीमेड बेस। तो यहाँ पे मैं कुछ वेजीज ले रही हूँ, ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटो एंड सम बॉइल्ड कॉर्न्स। इनको ऑयल में 10 टू 20 सेकंड्स के लिए हम फ्राई करके लेंगे। पकाना नहीं है, बस 10 टू 20 सेकंड्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैं सीजनिंग के लिए सॉल्ट, ऑरिगेनो एंड सम चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स करके लेना है। मैंने यहाँ पे ये चार वेजेस यूज किए। अगर आपको इसके अलावा कोई और वेजेस पसंद हो तो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं रेडीमेड पिज्जा बेस ले रही हूँ। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से क्या करना है, बीच में से ऐसे कट करके लेना है चीज, जो अपना पिज्जा ब्रेड होता है, पिज्जा बेस होता है उसको। और यहाँ पे मैं इस पे चीज स्प्रेड लगा के ले रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चीज क्यूब भी इसके ऊपर डाल सकते हो। और उसके बाद अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ये जो दूसरा स्लाइस है वो हम उसके ऊपर रख देंगे और टमाटो केचप स्प्रेड करके लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो चीज बर्स्ट वाला फ्लेवर होता है एग्जैक्टली वैसे फ्लेवर आएगा। इसके बाद जो वेजेस हमने थोड़े से फ्राई करके लिए थे वो रख लेंगे। एंड यहाँ पे मैं इसके ऊपर पनीर क्यूब्स रख रही हूँ। ये पनीर इज टोटली ऑप्शनल यार। इसके बाद चीज हमें ऐसे ग्रेट करके लेना है ऊपर से। मेरे पास मोजरेला चीज नहीं था। अगर आपके पास मोजरेला चीज हो तो आप वो यूज कीजिए। उससे जो चीज पूल वाली फील होती है वो आएगी और ये और भी टेस्टी लगेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं सीजनिंग के लिए ऊपर से सम ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। सीजनिंग के बिना पिज्जा अधूरा है। इसके बाद पैन पे हमें थोड़ा सा बटर गरम करके लेना है और उसके ऊपर ये जो पिज्जा बेस है वो रखना है। गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है और इसे कवर करके लेना है ताकि चीज जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया और पिज्जा जला नहीं है क्योंकि ये स्लो फ्लेम पे था। एंड 5 to 7 मिनट्स के बाद गैस ऑफ कर लेंगे हम। और ये देखिए एकदम टेस्टी चीज पिज्जा यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। डू गिव इट अ ट्राई एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।